अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शाहजी खान मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ए बी भाई कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में, खुश हैं? आज तो मैं भी खुश हूँ जी। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के ब्लॉग के लिए। आज ए बी भाई बहुत खुश हैं, और क्योंकि इन्होंने नींद अपनी पूरी की है और ज़बरदस्त एक वीडियो देखने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है जिसका रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल इज ऑलमोस्ट रेडी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में, मैं सोनू, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल के बारे में जो कोलकाता में बन रही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर तैयार होने वाली है। इस टनल का काम हुगली नदी के नीचे कोलकाता में किया जा रहा है, और इसके बनते ही यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बन जाएगी। यह टनल कॉरिडोर नदी के लेवल से 33 मीटर नीचे बनाया गया है, और यह हावड़ा से कोलकाता को जोड़ेगा। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का निर्माण कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात KMRCL द्वारा किया जा रहा है, और इसमें अंडर वाटर टनल है जो हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी, और 2023 तक इसको कम्प्लीट कर लिया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो यह मेट्रो लाइन हावड़ा से कोलकाता तक है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है, और इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रोजेक्ट में 520 मीटर लंबी एक अंडर वाटर टनल है जिससे मेट्रो होकर गुजरेगा, और इसमें पैसेंजर एटलीस्ट एक मिनट तक अंडर वाटर मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। इस मेट्रो का निर्माण दो फेज में किया गया है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला हुआ है। फर्स्ट फेज में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच 5.6 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है। इस लाइन पर करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन मौजूद है। सेकेंड फेज में 11 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड मेट्रो का कार्य किया जा रहा है, और इसी सेक्शन में एक टनल का निर्माण भी किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कुल 8,575 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और इस मेट्रो के कम्प्लीट होते ही 9 लाख पैसेंजर्स प्रतिदिन सफर कर सकेंगे, और यह मेट्रो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस मेट्रो की आधारशिला 2017 में रखी गई थी, और इस कार्य के लिए टनल बोरिंग मशीनें जर्मनी से लाई गई थीं। मेट्रो की सवारी करने वालों को पानी के अंदर का नजारा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि टनल कंक्रीट से बनाई गई है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट में 74% हिस्सा भारतीय रेलवे के पास है, और 26% आवास मंत्रालय के पास है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी ए बी भाई, इतना जबरदस्त जो है अंडर वाटर जो है अंडर वाटर टनल, हाँ टनल बनाया। और सबसे बड़ी बात, बुरी बात लगी मुझे, एक चीज बहुत ही बुरी लगी। क्या भाई, जब हम सफर करेंगे मिसाल के तौर पर, तो बाहर से पानी तो नजर नहीं आएगा, जो नदी नजर आएगा कुछ नजर नहीं आएगा। कॉन्क्रीट की दीवारें हैं दोनों तरफ, कॉन्क्रीट की दीवार बनाना जरूरी था ना। इतना टनल बनाया, इतना वजन होगा उसका, गाड़ियों का इतना वजन होगा जो गाड़ियां अंदर से गुजरेंगी टनल के अंदर से, तो अगर वो शीशे का बनाते वाटर प्रूफ। अभी आपने देखा था हाल ही में एक जापान में, पता नहीं चाइना में, जो एक ब्रिज बनाया था जिसमें कि उन्होंने हथौड़ों से जो है ना मार के जो है वो दिखाया कि भाई ये नहीं गिरेगा, ये नहीं होगा, लेकिन वो भी जो है ना कहीं से चटक गया, माना उसमें भी जो है ना माना दरारें सी पड़ गई। तो मेरा मकसद बताने का ये कि जब टनल कोई बनाई जाती है तो मजबूती पहले देखी जाती है, और मजबूती नहीं होगी तो कितने करोड़ डॉलर जो है ना, और कितने अरसे में बना ये, हाँ वो जल्दी बन रहा है, 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। ऑलमोस्ट शुरू कब हुआ था? ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, 2017 में शुरू हुआ, हाँ, और 23 में इसका काम मुकम्मल हुआ। तो फिर इनके 6 साल में इतना अच्छा, और सफर कितना है? ये तो अंडर वाटर टनल, सफर कितना है? सफर 1 मिनट का है। अच्छा, सब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ये, एक तो मजबूती बहुत ज्यादा, और अंडर वाटर कलकत्ता से हावड़ा, हावड़ा से कलकत्ता, तो यहाँ पर 3 स्टेशन बीच में पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है मेट्रो का भी है ना, उन्होंने मेट्रो भी, हाँ एक मेट्रो का भी है उसमें जो है ना, वो मेट्रो ऊपर से, मेट्रो ऊपर से जाएगी। 3 हिस्सों में जो है ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा रहा है, और आप ये देखें पैसे भी लग रहे हैं,
तो तीन प्रोजेक्ट एक साथ मुकम्मल हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। और यहाँ पर यह 10 साल में एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी तो मतलब अगर मेट्रो के लिए अगर ट्रैक बिछा दिया उसके बाद उसके लिए गाड़ियाँ नहीं है, एक गवर्नमेंट गाड़ियों का इंतजाम, एक गवर्नमेंट ने अपने होते हुए सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिए तो समझो सबसे बड़ी कामयाबी है। कामयाबी है, ठीक है। कामयाब गवर्नमेंट वही है जो अपने प्रोजेक्ट को खुद मुकम्मल करे, बजाय इसके कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है कि भाई अनाउंसमेंट हो गई हम ये बनाना चाह रहे हैं, एक ने तो आके बोल दिया, 2 साल 3 साल के बाद जो उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई दूसरा बंदा आया उन्होंने बोला यार इसके प्रोजेक्ट को हम क्यों करें भाई, यहाँ तख्तियाँ तख्तियाँ चेंज हो जाती हैं। अच्छा, आवाम की भलाई के लिए देखना है ना, प्रोजेक्ट तो ये होता है कि आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना कि मुल्क ये तरक्की करेगा, जब आने वाली गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को फेल कर देगी या उसके ऊपर जो है ना पैसे नहीं देगी उसको, तो फिर लाजिम बात है कि भाई ये तो उन्होंने वो इफ्तिदा किया था इसका जो है ना कि हम यहाँ इसको बनाएंगे, अनाउंसमेंट की थी, अब जो है वो मुकम्मल नहीं होती तो हमारे यहाँ तो 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। फिर जो चीज़ जिस पे 1 रुपये का खर्चा होगा वो चीज़ जो है फिर 10 रुपये में बनती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इंडिया में ही मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ कि भाई हम ये बना रहे हैं और इतना टाइम इसका पीरियड इतना गवर्नमेंट होते होते ही जो है ना वो जो है मुकम्मल हो गया। और एक सबसे बड़ी बात ये कि आने वाली जितने भी इनके अब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए तो उसमें ये है कि अगर मोदी सरकार से पहले कोई गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी उन प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया, ये इन्होंने उनके प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए कि भाई एक बेनिफिट है कि मुल्क जो है तरक्की करेगा, इसमें जो है तमाम तरह चीज़ें जो है हम जो है जितनी जल्दी बनाएंगे तो उतनी जल्दी जो है मुल्क में तरक्की होगी। तो ये भी एक जो है ना एज फैक्टर है इनका कि भाई जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। बात हो रही थी टनल की, टनल के 1 मिनट की दूरी पर जो है ना इनके 16.6 किलोमीटर है, 16.6 किलोमीटर जो है ये है अपना 6 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसमें 1 मिनट में जो है ना आपने 1 मिनट में 16 किलोमीटर सफ़र हो जाएगा, हो जाएगा है? नहीं यार इतनी तेज़ कैसे होगा भाई, रफ्तार भी ऐसी ना, उसकी रफ्तार है फी घंटा 80 किलोमीटर। हाँ अच्छा, बारह उसकी स्पीड जब इतनी है तो लाजमी है 1 मिनट का सफ़र उसके लिए कुछ सफर कुछ नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा समंदर माना पानी के बीच में नदी के, हाँ नदी के बीच में से जो है ना वो एक रास्ता एक, एक अच्छा एक चीज़ और भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है ये नदी के अंदर ही है, पानी के अंदर है, तो ये जो नाव वगैरह वहाँ से चलेंगे मुझे ये बताएं कि नाव चलेंगे और टकराएंगे नहीं उससे? नहीं तो वो तो एक तमाम तरह चीज़ों को इसको मद्देनजर रखें, जब आप लाजिम आते एक एक अंडर वाटर, अंडर बोले ना पानी के अंदर, पानी के अंदर जो बेस होगी ना नदी की जो बेस है लाजिम आते एक एक टनल को बनाने के लिए बेस भी तो चाहिए ना, नदी की जो बेस है उसके ऊपर से जाएगी ना, फिर उन्होंने जो है ना उसके ऊपर अगर ये मेट्रो चलेगी तो ऊपर आपने देखा पिलर नुमा जो बने हैं, पिलर नुमा जो उन्होंने दिए हुए हैं कि भाई उसके ऊपर से जो है ना जो भी वजन होगा वो हो सकता है जब मुकम्मल होगी फिर हमारे कोई दोस्त जो है इसका व्लॉग बनाएंगे तो उस पर रिएक्शन दोबारा दे देंगे। लेकिन ये कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 2023 में जो है ये भी ऑलमोस्ट अभी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये फिनिशिंग का काम हो रहा होगा, पलस्तर वलस्तर जो टाइलें वाले लग रही होंगी वो उस पर जो है काम चल रहा होगा, और जब वो अनाउंस करेंगे कि भाई ये अब हमने मुकम्मल कर लिया और फिनिशिंग के साथ जो है वो इफ्तिताह करने के लिए जाएंगे मोदी जी, तो भी देखेंगे कि किस तरीके का व्लॉग बना और कैसी अंडर वाटर ट्रेनें जो है वो कौन कौन सी चल रही हैं, ट्रेन चल रही है या वो ट्रैफिक चल रही है, बस तरक्की हो भाई। हाँ, किसी भी मुल्क में बने कहीं भी बने हमें तो इस बात की बहुत खुशी, हम खुश होते हैं क्योंकि काम हो रहा है, काम होना चाहिए बस। आप यकीन करें कि हमें इस बात की खुशी होती है कि हाँ भाई ठीक है, तो मुल्क अगर तरक्की करता है तो मुल्क में खुशहाली आती है, और इंसान को क्या लालच है, हमें क्या लालच है, हमें तो मकसद ये है कि देख रहे हैं कि ठीक है हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ रहते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि यार हमारे को ये सहूलत है। अभी हमारे एक दोस्त हैं भंवर प्रजापति, जब उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम वहाँ की, मैं उससे नाराज़ हूँ, हाँ वहाँ की बिल्डिंगें दिखाई, तो जब वो बिल्डिंगें देख के हम हैरान हो गए कि यार ये तो ऐसी बिल्डिंग है कि लंदन कनाडा और अमेरिका को भी जो बीट कर रही है, तो पहले तो यकीन नहीं आया, और जब उन्होंने दिखाया कि भाई मैं खुद चल रहा हूँ और जा रहा हूँ बाजार, और आप ये देखेंगे मैं जो है ऑन जो है वीडियो कॉल पर जो है ना उन्होंने सब कुछ दिखाया इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो दोस्तों उन्होंने वीडियो भेजी थी। बड़ी खुशी होती है कि जब कोई भी मुल्क तरक्की करता है, और इस बात की भी बड़ी खुशी होती है कि जब प्रोजेक्ट मुकम्मल टाइम पर हो रहे हो और इतना लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसका रिटर्न जो है वापस आ रहा है, रिटर्न जो जब आएगा वापस, तो फिर लाजमी उसी पैसे से दूसरे प्रोजेक्ट वो जो है अपने मुकम्मल कर सकते हैं।
हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स कहा था कि भाई आप लोग जलते होते हैं, हमने कहा हम क्यों जलेंगे, हमें तो खुशी होती है, हम तरक्की से खुश होते हैं, हमें कोई अमन से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल हमें बड़ी खुशी होती है कि तरक्की हो कर रहा है और जो वहाँ के किसी भी मुल्क की तरक्की में हम खुश हैं, वहाँ के रहने वाले जो दोस्त हैं हमारे वो इन्जॉय कर रहे हैं और किसी चीज़ की उनको तकलीफ़ नहीं है और बेरोज़गारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेरोज़गारी हो रही है जो जो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से काफ़ी सारे लोग जो क्राइसिस में आ गए थे, तो किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा, कोई जो है जॉबलेस हो गया है, तो इस तरह की चीज़ें जो देखने में आ रही हैं। लेकिन फिर भी एक जस्तजू तो हर आदमी की होती है कि भाई अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, कोई एफर्ट्स लड़ा रहे हैं, पहले एक काम किया करते थे, अब दो दो काम करने पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल तो इस तरह करके जो अपने घर जो है चला रहे हैं लोग। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें, हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। धन्यवाद।